फ़िश फ्राई बनाने के लिए आधा किलो फ़िश को 2-3 बार पानी डालकर अच्छे से क्लीन करके रख लीजिए। उसके बाद इसमें आधा स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा स्पून सौंफ पाउडर, 1 स्पून नींबू लेमन जूस डालकर अच्छे से मिला लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ड्राई जैसे रहता है तो इसमें हल्का सा पानी छिड़क लीजिए। पानी छिड़क कर भी कर सकते, थोड़ा सा पानी डाल छिड़क जा रख दीजिए। थोड़ा सा पानी छिड़क के थोड़ी देर ऐसे अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए आप ऐसे बंद करके रख दीजिए। अब फिश को 10 मिनट हो चुका है, अभी इसको कढ़ाई रख कर कढ़ाई में तेल डाल दीजिए। तेल डालकर थोड़ी देर तेल को गर्म होने दीजिए। आपको फिश को 10 मिनट में बनाना है तो लोहे के कढ़ाई यूज़ करना है। बाकी आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कम से कम आधा घंटे फिश को ऐसे मसाले के साथ रखना पड़ेगा। लोहे की कढ़ाई में मछली तलने में बहुत जल्दी क्रिस्पी भी रहता है, अच्छा भी लगता है, मगर वो क्या 10 मिनट में आप बना भी सकते हैं मछली को। एक साइड अच्छे से पक गए, अब इसको पलट लीजिए। अब फिश फ्राई रेडी हो चुका है।